हाइलाकांडी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिले के दो उग्रवादी संगठन UDLA और BRAU के हजारों से अधिक केडारों ने अस्त्र शस्त्र समेत आज सरकार के पास आत्मसमर्पण कर दिया। गौरतलब हो कि रियांग जनजाति ट्राइबल्स के विभिन्न दावे को लेकर 2007 में जन्म लिए थे। यह यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन ऑफ आर्मी और ब्लू रिवॉल्यूशन आर्मी ऑफ यूनियन के दो उग्रवादी संगठन ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर दो दशक तक बड़ा घाटी के छार करीमगंज और हाइलाकांडी तीनों जिलों में अपहरण हफ्ता वसूली हत्या जैसे संगीन जुर्म करके दहशत फैला रहे थे यह दो उग्रवादी संगठन के केडारों ने। लेकिन 2016 से यह दो उग्रवादी संगठन के नेताओं ने सरकार के साथ कई बार बैठक करके 6 साल के बाद आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। इस उपलक्ष्य में आज हाइलाकांडी जिले के कटली चेरा चाल मार्क्स उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल के मैदान में आयोजित समारोह में असम के विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी और जन कल्याण विभाग के मंत्री पीयूष हजारिका के सम्मुख अत्याधुनिक गोला बारूद मारणास्त्र समेत यह दो उग्रवादी संगठन के हजारों से अधिक केडारों ने आत्मसमर्पण कर समाज के मूल धारा में वापस आ गए। असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी और मंत्री पीयूष हजारिका ने उग्रवादी संगठनों के केडारों को स्वागत कर समाज के मूल धारा में वापस आने के लिए सराहना की और उनका पुनर्वासन और सरकारी सुविधा देने की आश्वासन दिया। আৰু ৰাজেশ চৰকী ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আজি যিখিনি উগ্ৰপন্থীৰ পদ লৈছিলে তেওঁলোকে মনটোকেলে ঘূৰি আহি অস্ত্ৰ সমৰ্পণ কৰিলে। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ফালে ব্ৰু সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে তেওঁ যি এটা পদক্ষেপ ল'লে আৰু সেই পদক্ষেপৰ কাৰণে আজি সেইটো হ'বলৈ পালে। ব্ৰু সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকক কাউন্সিলৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলত পুঁজি পঠোৱাৰ এটা ব্যৱস্থাটো লৈছে তেওঁলোকক সামৰি ফালে, যিটো যি স্পেচিয়েলি ব্ৰু মানুহখিনিয়ে ব্ৰু সমাজখনৰ উন্নয়নৰ কাম কৰি ল'ব পাৰিব চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ উপৰোক্তভাৱে। গতিকে সেইটো তেওঁলোকে মনোভূত আৰু মই ভাবোঁ সেইটোৰ দ্বাৰাই মানে বহুখিনি তেওঁলোকৰ অনুভৱ কৰা য'ত তেওঁলোকে আইচলেট বা কোনেও আমাক বুজি নাপায় বুলি ভাবি আছিলে সেই কামবোৰ তেওঁলোকে কৰি ল'ব পাৰিব। আমিতো সদায় আশা কৰি থাকোঁ যে অসমৰ যিমান ল'ৰা বা যিমান সংগঠন আজি মানে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰি আছে তেওঁলোকে সবেই মূল খুটিলে আহক। আজিৰ 30 বছৰ আগৰ অসম 50 বছৰ আগৰ অসম হৈ থকা নাই, আজিৰ অসমটোৱে মানে আপুনি বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়ি গৈছে। সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এতিয়া শান্তি পৰিৱেশ গঢ়ি আমি কাম কৰি যাব দিয়ক। শান্তিৰ কাৰণে আহিলে মই UDLA আৰু ব্ৰুৰ সংগঠনৰ এই অস্ত্ৰ সম্বৰণে বৰাকভেলীলৈকে স্থায়ী শান্তি কঢ়িয়াই আনিব আৰু ডেভেলপমেণ্ট ত্বৰান্বিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি সপোন অসমক দেশৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ মাজলৈকে লৈ যাব লাগে, সেইটো কৰিবলৈ হ'লে গুৱাহাটী ডেভেলপ দলে নহ'ব, ডিব্ৰুগড় ডেভেলপ দলে নহ'ব, বৰাক ভেলীৰো প্ৰত্যেকখন গাঁও প্ৰত্যেকটো অলি গলিৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব। কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ স্থায়ী শান্তি লাগিব। স্থায়ী শান্তিৰ কাৰণে এই UDLA বা ব্ৰু এই সংগঠনসকলে সংগঠনৰ কেডাৰসকলে শান্তিৰ আলোচনালৈকে অহাটো জৰুৰী। তাৰ কাৰণে আহিল মই সকলোকে ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুপ্ৰিয়ান দাস, ऑनलाइन भारत हिंदी नेशनल न्यूज़ चैनल के हाइलाकांडी जिले के चीफ ब्यूरो आप सभी जनों को ऑनलाइन भारत हिंदी नेशनल न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। अभी मैं आप लोगों के पास ले आया हूं एक बहुत बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है आज हाइलाकांडी जिले के कटलीचरा चाल मार्क्स स्कूल के मार्ट के नज़दीक में एक फील्ड में वहाँ पर एक समावेश हुआ। हमारे असम राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी और असम के जनसंजोग मंत्री पीयूष हजारिका दोनों हस्तियों के मौजूदगी में हाइलाकांडी और करीमगंज और सिलचर ये तीन डिस्ट्रिक्ट में दहशत फैलाने वाले दो उग्रवादी संगठनों के हजारों से अधिक खेडारों ने सरकार के पास अपने अत्याधुनिक हथियार समर्पण करके आत्मसमर्पण किया है। दो उग्रवादी संगठन ब्रू लिबरेशन यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ जंगी फ्रंट, ये दोनों उग्रवादी संगठन के ऊपर निषिद्ध घोषित किया गया था। ये दो उग्रवादी संगठन ये तीनों जिले में दहशत फैला रहे थे, लेकिन अभी वो लोग समाज के साथ में मिलके समाज के साथ में चलने का इरादा लिया है और हजारों से अधिक उग्रवादी ने
आज मंत्री पीयूष हजारिका और विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी के समक्ष अपने अत्याधुनिक हथियार को समर्पण कर दिया और वो लोग समाज के मेन रास्ते में आ गए हैं। तो आप लोग ये वीडियो फुटेज में पूरी तरह से देख सकते हैं। आइए आरना भारत में आप लोग वीडियो फुटेज में सब कुछ देख लीजिए। धन्यवाद। विस्तार से देखिए असम के हाइलाकांडी जिले से आर9 भारत के जिला चीफ ब्यूरो सिप्रियान डायास के रिपोर्ट में।